Hello viewers, my name is Simran. Today we are going to explain unit 3, chapter number 1, gardens and gardening. So this is the second part of our video. Please do like and subscribe and don't forget to hit the bell icon. Now let's start our video. So I will explain you from this part. We had done up to this in the first part. So in the second part I will explain you from this line. So let's start. Some have only one kind of plant in all its varieties. किसी के पास तो एक ही plant होता है पर उसकी अलग अलग varieties होती है, मतलब एक ही plant बोते हैं अपने garden में पर उसकी अलग अलग varieties में बोते हैं. Such as rose garden, जैसे rose garden के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, येलो होता है, पिंक होता है, रेड होता है, वाइट होता है और भी कई तरह के रोज़ होते हैं. तो हम एक ही वेराइटीज़ के प्लांट तो बो सकते पर हम अलग अलग वेराइटीज भी उनके बो सकते हैं. अदर्स में है प्लांट्स ऑफ जस्ट वन और टू पर्टिकुलर कलर्स. इनफैक्ट पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. और कोई कोई तो वन और टू कलर के ही प्लांट बोते पर उसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है प्लांट्स की, मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं पर कोई कोई तो वन या फिर टू प्लांट ही बोते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ गार्डन ऑफ योर ओन, आपके खुद का गार्डन. बिफोर प्लानिंग अ गार्डन ऑफ योर ओन यू मस्ट मेक श्योर ऑफ सर्टन थिंग्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज द काइंड ऑफ प्लांट दैट विल ग्रो वेल इन द क्लाइमेट, सॉइल एंड प्लेस. अगर आपको आपके खुद का गार्डन बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे पर प्लानिंग करने से पहले आपको सर्टन थिंग्स का ध्यान होना चाहिए. जैसे कि क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है प्लांटिंग करने के लिए, सॉइल इम्पॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट होता है और स्पेस भी इम्पॉर्टेंट होती है कुछ प्लांट करने के लिए. तो आपको ये सब प्लानिंग और ये सर्टन थिंग्स आपको पहले से तैयार रखनी चाहिए कुछ प्लांट करने के लिए. यू मस्ट ऑल्सो टेक इंटू अकाउंट द सप्लाई ऑफ वाटर यू हैव फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. और आपको एक अकाउंट भी बनाना चाहिए, मतलब आपको सप्लाई वाटर, मतलब आपको कितना वाटर देना है, कब देना है, किस टाइम देना है, तो आपको इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए. लुक एट वॉट अदर पीपल इन योर नेबरहुड आर ग्रोइंग, आस्क फॉर देयर एडवाइस. और आप अपने नेबरहुड में देखिए आपके पड़ोसी क्या बो रहे हैं और आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए प्लांट्स बोने के लिए. देन डिसाइड वॉट यू वुड लाइक टू ग्रो योर से, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स दैट विल लुक प्रीटी और प्लांट्स दैट कैन बी पुट टू सम यूज़. और फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा प्लांट ग्रो करना चाहिए, बोना चाहिए, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या फिर प्लांट्स दैट विल लुक प्रीटी. आपको फ्लावर्स भी आप बो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी बो सकते हैं, प्लांट्स जो प्रीटी दिखे, सुंदर दिखे, और आप ऐसे प्लांट्स भी बो सकते हैं जो किसी यूज़ के लिए हो सके. हैविंग डिसाइड ऑल दिस यू विल हैव टू टेक सम सिंपल स्टेप टू ग्रो अ सक्सेसफुल गार्डन. जब आप ये सब डिसाइड कर लेंगे तो आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए आपका सक्सेसफुल गार्डन होने के लिए. Everything that grows needs light, air, water and food. Plants to need all of these things. अगर आपको कुछ बोना ही है तो उसको बराबर लाइट मिलनी चाहिए, एयर मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, उसको फूड भी मिलना चाहिए. किसको, उस प्लांट्स को. और ये प्लांट्स को ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती है. एंड टू ग्रो अ सक्सेसफुल गार्डन द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंड.
और अगर आपको अपना सक्सेसफुल गार्डन बनाना ही है तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई है। चूज अ साइट दैट हैज़ गुड सॉइल एंड लाइट। डिग द सॉइल टू मेक इट लूज सो दैट एयर कैन गेट इनटू इट। एयर सूटेबल प्लांट फूड मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। डिग द सॉइल टू मेक इट फाइन एंड टू गेट रिड ऑफ स्टोन्स एंड वीड्स। फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर प्लांटिंग वेरी केयरफुली। फीड वाटर वीड रेगुलरली। टेक सुटेबल मेजर्स टू चेक प्लांट डिसीजेस एंड टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स। पिक फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इट विल रिजल्ट इट देयर कंटिन्यूस सप्लाई। चूज अ साइट दैट हैज़ गुड सॉइल एंड लाइट। आप एक साइट चूज करिए, एक जगह चूज करिए जिसमें गुड सॉइल हो, लाइट हो, जिससे आपका प्लांट सक्सेसफुल बन सके। डिग द सॉइल टू मेक इट लूज सो दैट एयर कैन गेट इनटू इट। आप सॉइल को डिग करिए, आप सॉइल को उपजाऊ बनाइए जिससे कि प्लांट्स में एयर आती रहे। एड सुटेबल प्लांट फूड मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। आप मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर सॉइल में डालिए, मतलब आप अपने सॉइल को अच्छे से उपजाऊ बनाइए ताकि आपका प्लांट ग्रो कर सके। रेक द सॉइल टू मेक इट फाइन टू गेट रिड ऑफ स्टोन्स एंड वीड्स। और आप रेक करिए, मतलब आपके जो प्लांट्स में वीड्स हो, मतलब जंगली पौधे हो और स्टोन्स हो, उनको आप अपनी सॉइल से बाहर निकालिए ताकि आपके प्लांट में कुछ गड़बड़ी ना हो और वो अच्छे से ग्रो करे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर प्लांटिंग वेरी केयरफुली। आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए किसके लिए, प्लांटिंग करने के लिए। फीड वाटर एंड वीड रेगुलरली। और आप उसको रोज वाटर दीजिए, उसको उसकी जो वीड होती है वो वीड जंगली पौधों को निकालिए रेगुलरली। टेक सुटेबल मेजर्स टू चेक प्लांट डिसीजेस एंड गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स। और आप सुटेबल प्लांट डिसीजेस, मतलब जो प्लांट्स में डिसीजेस पड़ जाती है, आप उनका ध्यान रखिए और हार्मफुल इंसेक्ट्स से अपने प्लांट्स को बचाइए। पिक फ्लावर्स फ्रूट वेजिटेबल्स और एट रेगुलर इंटरवल्स। इट विल रिजल्ट इन देयर कंटिन्यूस सप्लाई। आप रोज फ्लावर उगाइए, फ्रूट्स उगाइए, वेजिटेबल्स उगाइए और इसको कंटिन्यू करिए। और आपको रोज फ्लावर्स भी पिकअप करने चाहिए, फ्रूट भी पिकअप करने चाहिए और वेजिटेबल भी पिकअप करने चाहिए ताकि आपका जो प्लांट है वो और आपको चीज़ें प्रदान करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, डू नॉट ट्राई टू डू टू मच टू सून। स्टार्ट विथ अ फ्यू प्लांट्स दैट यू नो विल ग्रो वेल इन योर एरिया। और आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन को जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम आराम से आप प्लांट बोइए और ऐसे प्लांट बोने चाहिए जो आपके गार्डन में, आपके एरिया में अच्छे से ग्रो करे। लर्न ऑल यू कैन फ्रॉम गार्डनिंग बुक्स एंड अदर गार्डनर्स। और आप गार्डनिंग बुक्स जो होती है ना, उनमें से लर्न करिए और अपना गार्डन बनाइए और उनके अदर गार्डन से भी आप एडवाइस लीजिए। लेट योर गार्डन ग्रो स्लोली, इट विल बिकम बिगर एज यू नो मोर एंड मोर। और धीरे धीरे करके आपका स्लोली करके आपका गार्डन ग्रो हो जाएगा और फिर आप बिगर गार्डन बना सकते हैं। इफ वन ऑफ यूर प्लांट्स डाइज, फाइंड आउट द रीज़न। टेक केयर दैट
द सेम थिंग डज नॉट हैपन अगेन। और कभी भी आपका कोई भी प्लांट डाई हो जाए, मर जाए, तो आप उसका रीज़न पता करिए कि वो क्यों डाई हुआ, क्यों मर गया, और टेक केयर करिए कि ऐसी गलती आपसे अगेन ना हो, दोबारा ना हो। नाउ कंटेनर गार्डन्स। सम पीपल हु डोंट हैव इनफ लैंड फॉर ग्रोइंग अ गार्डन ऑफ्टन ग्रो स्मॉल प्लांट्स इन विंडो बॉक्सेस, ऑन बालकनीज और टेरेस, इन ट्यूब्स और अदर कंटेनर्स। अब कंटेनर गार्डन क्या होता है? किसी किसी पीपल के पास, मतलब कुछ कुछ लोग के पास इनफ लैंड नहीं होती प्लांट बोने के लिए, उनके पास लैंड नहीं होती, जगह नहीं होती किसके लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए। तो अब वो क्या करेंगे, वो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स कहाँ पे बो सकते हैं, विंडो बॉक्सेस में बो सकते हैं, बालकनीज में बो सकते हैं, टेरेस में बो सकते हैं, इन ट्यूब्स में बो सकते हैं, और किसी भी कंटेनर में बो सकते हैं। अब विंडो बॉक्स शुड बी स्ट्रॉन्गली बिल्ड एंड मस्ट बी फ्रीमली सपोर्टेड फॉर इट कैन बी वेरी हैवी वैन फील्ड विथ सॉइल। इट शुड बी फाइंड विथ फाइनली ग्राउंड सॉइल मिक्सड विद द प्लांट फूड एंड शुड हैव गुड वाटर एंड ड्रेनेज। अ विंडो बॉक्स शुड बी स्ट्रॉन्गली बिल्ड एंड मस्ट बी फ्रीमली सपोर्टेड फॉर इट कैन बी वेरी हैवी। एक विंडो बॉक्स गार्डन के लिए, उसको विंडो बॉक्स को बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड होना चाहिए और उसको फ्रीमली सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसको किसी चीज़ से सपोर्ट कर देना चाहिए। जैसे विंडो बॉक्स को अपन किस चीज़ से सपोर्ट करते हैं, विंडो से करते हैं, तभी उसको क्या कहते हैं, विंडो बॉक्स कहते हैं। फॉर इट कैन बी वेरी हैवी वैन फिल्ड विथ सॉइल, क्योंकि जब अपन उसमें सॉइल फिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, तो अपन को उससे किसी चीज़ से अटैच कर देना चाहिए। इट शुड बी फाइंड विथ फाइनली ग्राउंड सॉइल मिक्सड विथ प्लांट फूड एंड शुड हैव गुड वाटर डिनेच, और हमें उसमें पानी दे, प्लांट्स विंडो बॉक्स में जब अपन प्लांट्स बोते हैं तो हमें उसको रेगुलर पानी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, प्लांट में अच्छे से ग्रो कर सके। द डायरेक्शंस विच द विंडो फेसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सम प्लांट्स ग्रो वेल इन सन वाइल अदर प्रीफर शेड। और जहाँ पे आप विंडो बॉक्स फिट करें उसकी डायरेक्शन भी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स को क्या पसंद है, सन पसंद है, और किसी प्लांट को प्रीफर शेड पसंद है, मतलब उनको किसी किसी को सन पसंद है, सन की धूप चाहिए होती है, और किसी किसी को शेड की ज़रूरत होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप विंडो बॉक्स गार्डन कहाँ पे रख सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ टेरेरियम इज़ अ ग्लास साइल्ड कंटेनर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड कीपिंग स्मॉल क्रिएचर्स। द कंटेनर मे हैव अ कवर टू हेल्प कंजर्व मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। अ बॉटल गार्डन हैज प्लांट्स ग्रो इन बॉटल्स, बोथ टेरेरियम एंड बॉटल गार्डन नीड ग्रेट केयर एंड पेशेंस। तो एक टेरेरियम गार्डन क्या होता है, टेरेरियम गार्डन की ग्लास साइड होती है और वो क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट बो सकते हैं, और हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द कंटेनर मे हैव अ कवर टू हेल्प कंजर्व मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। और टेरेरियम गार्डन में हमें उस कंटेनर का मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना चाहिए। अब बॉटल गार्डन क्या होता है, हैज़ प्लांट्स ग्रो इन बॉटल्स, जो प्लांट्स हम बॉटल्स में ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम बॉटल गार्डन कहते हैं। बोथ टेरेरियम एंड बॉटल गार्डन्स नीड ग्रेट केयर एंड पेशेंस।
और जो टेरेरियम और बॉटल गार्डन के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेट केयर करनी चाहिए और क्या पेशेंस रखना चाहिए। द रिक्वायर ओनली अ लिटिल ऑफ सनशाइन एंड इफ प्लेस्ड इन अ हॉट सनी विंडो दे विल सून वाइदर अवे एंड डाई। दिस गार्डन शुड नॉट बी कवर्ड टू टाइटली बिकॉज ह्यूमिडिटी विल बिल्ट अप एंड फॉग द वॉल्स। हमें बॉटल गार्डन टेरेरियम गार्डन का क्या पेशेंस करके ध्यान भी रखना चाहिए और उनको लिटिल सनशाइन देनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा सनी वेदर में रखे जाएंगे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप खिलती है, तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। द गार्डन शूट नॉट बी कवर्ड टू टाइटली बिकॉज ह्यूमिडिटी विल बिल्ड अप एंड फॉग द वॉल्स। और हमें वो गार्डन्स का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें टाइटली कवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ह्यूमिडिटी क्या बिल्ड कर देगी, वॉल्स बिल्ड कर देगी, फॉग वॉल्स बिल्ड कर देगी। तो हमें टेरेरियम और बॉटल गार्डन बोने से ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम नहीं बो सकते। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द सेकेंड पार्ट।